Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we are studying the first chapter of Standard 9. The name of the chapter is Basic Concepts in Geometry. Now see, in today's video, we will be learning what are conditional statements and converse. अब देखो ये पूरा theoretical part है. इससे पहले भी हम दो बार theoretical part देख चुके हैं इस lesson 1 में. एक बार practice set 1.1 के पहले था, एक बार practice set 1.2 के पहले था. Now, for practice set 1.3 हमें theoretical part पढ़ना होगा. अब देखो, as the name tells, conditional statements and converse, ये conditional statement वही है जो आपने English grammar में सीखा है, okay? ऐसे statements जो if-then form में लिखे जाते हैं. अब देखो, the statements which can be written in if-then form are called conditional statements. The part of the statement following if, if के बाद जो part आता है then तक, उसे हम antecedent कहते हैं, okay? And the part of the statement following then, then के बाद जो कुछ आता है उसे हम consequent कहते हैं, okay? अब देखो यहाँ पे एक example है, एक general statement दिया रहेगा, उसको conditional में कैसे convert करना वो देखते हैं. अब देखो general statement है, the diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. अब देखो जब भी इस general statement को आपको if then form में convert करना है, तो क्या करो, ये जो भी mathematical statement आया है, इसमें keyword देखो आप. अब जैसे statement है, the diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. बात हो रही है diagonals की, पर किसके diagonals? Rhombus के. तो rhombus आपका keyword है. आपको keyword मिल गया, तो उसके बाद ये देखो कि वो कौन से family को belong करता है. जैसे rhombus belongs to the family of quadrilateral. Okay? Lines होता, parallel lines होते. Okay? So, it belongs to the family of lines होता था. बराबर है? या फिर isosceles या equilateral या scalene triangle होता था, तो they belong to the family of triangle. तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं देखो, ताकि हम जब इफ से लेके देन तक का मतलब एंटीसिडेंट पार्ट लिखे, तो हम क्या करते हैं वो जो कीवर्ड है उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं. अब जैसे ये स्टेटमेंट देखो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. तो हम कंडीशनल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. हमने उसके फैमिली के बारे में बताया, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. देखो ये क्वाड्रिलेटरल आया यहां पे, जो जनरल स्टेटमेंट में कहीं नहीं था, वो आपको कंडीशनल में लिखना होगा. रोम्बस है, रोम्बस किसको बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल को, तो वो लिखना होगा. इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ऐसा होने पर इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. अब देखो ये पहला स्टेटमेंट है, हो सकता है थोड़ा आपको मुश्किल जाए, लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 प्रॉब्लम सेट 1 में जब जाएंगे, तो ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स हमें देखना है, तो पिक्चर और क्लियर होगा. ओके, अब देखो इफ antecedent and consequent in the given conditional statement are interchanged. Antecedent के जगह consequent लिख दो और consequent के जगह antecedent लिख दो. ऐसा करने पर जो statement तैयार होता है उसे हम converse कहते हैं. Okay? The resulting statement, number नहीं, statement आएगा. The resulting statement is called converse of the given statement. अब देखो, ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं ये एंटीसिडेंट पार्ट है, और जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूं ये कॉन्सिक्वेंट पार्ट है ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. कॉन्वर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉन्सिक्वेंट है उसको आपको एंटीसिडेंट बनाना है. अब देखो यहां पे एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल यूज किया गया है, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. इसको कॉन्वर्स लिखना है. तो ये जो आपको दिख रहा है कॉन्सिक्वेंट पार्ट, हम इसको एंटीसिडेंट बनाएंगे. पर कॉन्सिक्वेंट में क्या बोला गया है, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. इट्स मतलब किसका, प्रोनाउन से तो नहीं शुरू कर सकते हैं, तो रोम्बस की बात हो रही है यहां पे. पर हम ये कॉन्सिक्वेंट को एंटीसिडेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एंटीसिडेंट में हम फैमिली की बात करते हैं, पहले कीवर्ड जो भी है उसके फैमिली की बात करते हैं. सो रोम्बस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो अब देखो कॉन्वर्स कैसे आएगा, इफ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. देखो ये एंटीसिडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दिया, इफ द डायगोनल्स किसके ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस. ओके, तो आपको क्या करना है, जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसिडेंट में बदलना है, एंटीसिडेंट को कॉन्सिक्वेंट में. बस जब आप कॉन्सिक्वेंट को एंटीसिडेंट में बदल रहे हो, सो वहां पे ये जो भी प्रोनाउन रहेगा, ओके, उसके जगह उसका फैमिली का नाम आ जाता है क्वाड्रिलेटरल. ओके, और बाद में ये जो क्वाड्रिलेटरल यहां पे यूज हुआ है
एंटीसीडेंट में, कॉन्सिक्वेंट में वो यूज नहीं होता है. देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट में क्या आया, देन इट इज अ रॉमबस. ओके, अब देखो पिछले फ्रेम में आपने कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स देखा. अब एक नोट देखेंगे हम कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा उसका कॉन्वर्स जो आएगा वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है. अब ये देखो एग्जाम्पल में क्लियर होगा, हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं रोमबस वाला. ओके, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोमबस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. और इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोमबस. यही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि क्लैरिटी रहे आपको, बराबर है. और भी बाकी बहुत से एग्जाम्पल्स है जो प्रैक्टिस 1.0 प्रॉब्लम सेट में देखने वाले हैं हम लोग. अब देखो इस एग्जाम्पल में कंडीशनल भी ट्रू है और कॉन्वर्स भी ट्रू है. देखो कंडीशनल क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोमबस, अगर वो गिवन क्वाड्रिलेटरल रोमबस है तो उसके डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ये रोमबस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है. यदि हमको कोई बोलता है कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो ऑब्वियसली इट इज अ रोमबस, बराबर है. सो देखो जैसे कॉन्वर्स था, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोमबस. सो यहां पर कंडीशनल कॉन्वर्स दोनों ही ट्रू है. सेकंड एग्जांपल देखो, इफ अ नंबर इज प्राइम, यदि नंबर प्राइम नंबर है देन इट इज इवन और ऑड. अब देखो प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है. दुनिया में एक ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है टू. पहली बात तो प्राइम नंबर क्या, वो नंबर जिसके दो ही डिवाइजर्स आते हैं, जो खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है. सो प्राइम नंबर जो है वो इवन भी रह सकता है ऑड भी रह सकता है, ये हुआ कंडीशनल. अब इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, देखो कंडीशनल क्या था, इफ अ नंबर इज प्राइम देन इट इज इवन और ऑड. आपका कॉन्वर्स में क्या बताया मैंने आपको कि देन के बाद का जो पार्ट रहेगा, जो कॉन्सिक्वेंट पार्ट होगा वो बन जाएगा, सॉरी हाँ जो कॉन्सिक्वेंट पार्ट रहेगा वो बन जाएगा एंटीसीडेंट. तो ये होगा इफ इट, इट मतलब क्या, नंबर की बात हो रही है. तो इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन ये जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बनेगा. सो इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम. अब ये गलत है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नंबर, देखो कॉन्वर्स जो किया हमने ये सही है, ये जो कॉन्वर्स आपको दिख रहा है ना ये सही है, ये कंडीशनल था इसका उल्टा हमने कॉन्वर्स किया. पर जब ट्रुथ वैल्यू की बात आती है, सो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट है, ओके ये कॉन्वर्स है, पर ये फॉल्स है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है. वो बोल रहे हैं कि नंबर इवन या ऑड रहा तो वो प्राइम रहेगा, पर प्राइम की परिभाषा वो नहीं है, प्राइम की डेफिनेशन वो नहीं है. प्राइम में क्या जरूरी है कि बस उसके दो डिवाइजर्स हो. अब ये बोल रहे हैं कि इवन रहा या ऑड रहा तो प्राइम रहेगा. अब फोर तो इवन है पर वो प्राइम है क्या, नहीं. नाइन ऑड है पर वो प्राइम है क्या, नहीं. सो ये स्टेटमेंट तो है, पर ये स्टेटमेंट है पर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. सो देखो इन दिस एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट सॉरी इट्स कन्वर्स इज फॉल्स. ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और जो कॉन्वर्स है ओके इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स. तो जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखते हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो ट्रू रहेगा ही रहेगा, पर कॉन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू ही रहे, वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है. अब देखो पिछले फ्रेम्स में आपने कंडीशनल स्टेटमेंट और कॉन्वर्स देखा, ओके अब आगे बढ़ते हैं. इस फ्रेम में हमको पोस्टुलेट थ्योरम्स प्रूफ्स क्या होते हैं ये पढ़ना है. अब देखो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड हु लिव्ड इन 3rd सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा गैदर्ड द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री प्रिवेलिंग एट हिज टाइम. He took for granted some self-evident geometrical statement. देखो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. He took for granted some self-evident geometrical statements which were accepted by all and called them postulate. Okay? That is some self-evident geometrical statements are called postulate. अब postulate क्या है? Self-evident geometrical statement मतलब जिनके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है. अब जैसे जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक पॉइंट है ओके और ये एक पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हुए, दो पॉइंट. मैं आपको बोलूं कि भाई ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, इसके लिए हमको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो छोटा बच्चा भी बता देगा, इसके लिए प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको. सो ऐसे कुछ सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स है
विच आर एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय ऑल. ऐसा कोई आके नहीं बोलेगा कि नहीं इसका प्रूफ करके बताओ, बराबर है. सो दे आर कॉल्ड एज पॉस्टुलेट. पॉस्टुलेट को एक्सियम्स भी कहा जाता है. ओके, पॉस्टुलेट को एक्सियम्स भी कहा जाता है. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम्स. द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स. अब कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसे ही स्टेटमेंट है, पर उनको हमें प्रूफ करना पड़ता है लॉजिकली. जैसे ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है. अब ये दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल तैयार होते हैं. देखो ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. तो ये हमको प्रूफ करके बताना पड़ता है. सो इसको हम थ्योरम बोलते हैं, जिसे हमें प्रूफ करके बताना है लॉजिकली. ओके, और लॉजिकली प्रूफ करके बताना है मतलब उसमें हम लोग पॉस्टुलेट यानी कि जो एक्सियम्स है उनका भी मदद लेते हैं, बराबर. नेक्स्ट है प्रूफ. आप ये जो थ्योरम प्रूफ करते हैं तो जो पूरा प्रोसीजर है आपका उसको प्रूफ कहा जाता है. ओके, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ. अब देखो व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स एंटीसीडेंट पार्ट इज कॉल्ड गिवन पार्ट. एंटीसीडेंट पता है आपको, इफ के देन के बीच, इफ से देन के बीच का पार्ट जो है दैट इज गिवन पार्ट, और देन के बाद का जो है कॉन्सिक्वेंट, ओके, वो रहता है पार्ट टू बी प्रूव्ड. और दो टाइप के प्रूफ रहते हैं मैथ्स में, एक डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ. जो नेक्स्ट आपका फ्रेम है, ओके सॉरी, जो नेक्स्ट आपका वीडियो है उसमें हम देखने वाले एक प्रूफ, पर डायरेक्ट प्रूफ देखने वाले हैं. ओके, इनडायरेक्ट प्रूफ हम लेसन टू में देखेंगे.